श्योपुर नगर पालिका परिषद के विपक्ष के पार्षदों ने आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। वहीं धरने के दौरान विपक्ष के पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ सहित जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। धरने पर बैठे पार्षद सुमेर सिंह ने बताया कि नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों की सांठगांठ के चलते नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर प्लॉट काटे और बेचे जा रहे हैं, जिससे नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका की भूमि तो सीमित हो रही है तो वहीं भूमाफियाओं की चांदी भी हो रही है। इतना ही नहीं, नगर की वार्ड क्रमांक 11 में नाला जगह जगह से चौक हो रहा है, इसकी सफाई की सख्त जरूरत है, लेकिन नगर पालिका की अनदेखी बनी हुई है। वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद प्रतिनिधि महावीर वाल्मीकि ने नगर पालिका के प्रति मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाए हैं कि नगर पालिका की जल शाखा में चोरी और हेराफेरी के खुलासे होने के बाद अभी तक नगर पालिका सीएमओ ने नगर पालिका के ठेकेदार रौनक के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई है। वहीं मामले को निपटाने के चक्कर में नगर पालिका की जल शाखा के दोषी अधिकारी और कर्मचारियों को जांच दल में सम्मिलित कर जांच सौंपी है, जिसमें भ्रष्टाचार में नगर पालिका के सीएमओ का हाथ होने की आशंका नजर आ रही है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि ने चेतावनी भी दी है कि अगर ठेकेदार पर सीएमओ के द्वारा FIR दर्ज नहीं कराई जाती तो हम कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। और साथ ही धरने पर बैठे परिषद के विपक्ष के पार्षदों के द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपा गया। वहीं कलेक्टर को भी एक ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की गई। अब देखना होगा कि नगर पालिका में धरने पर बैठे परिषद के विपक्ष के पार्षदों की मांग को लेकर नगर पालिका श्योपुर के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाता है, इस पर नगर वासियों की निगाह टिकी हुई है। पार्षद अभी नगर पालिका में मौजूद है 5 सूत्रीय मुद्दा लेकर। हमने इसके लिए प्रशासन को भी अवगत करवाया, हमने रौनक के खिलाफ FIR थाने में भी आवेदन दिया, लेकिन 7 सदस्य टीम बनी नगर पालिका की, उसमें जांच में कुछ नहीं हुआ अभी तक। ना तो सीएमओ ना ही अध्यक्ष हमारे साथ जाकर उस पर FIR करवाई, ना ही वो यह नगर पालिका के अंदर आ रहे हैं। उनको कहीं डर है, कहीं वो भी लिखते हैं। हमारे कुछ बातें हैं जो उनमें यह खुलासा हुआ है कि इसमें अध्यक्ष उसको बचाने के प्रयास कर रहा है, सीएमओ उसको बचाने के प्रयास कर रहा है, इसलिए। और आवासों की जो जितने भी लिस्ट है, जितना भी है, उनको पैसा डाला जाए। उनकी जांचें पहले हो चुकी हैं और वो पात्र हैं। अगर पात्र ना होते हुए वो पैसा नहीं डालेंगे तो वो पूरा पैसा लेप्स हो जाएगा, और लेप्स पैसा हो जाएगा तो ये गरीबों को नुकसान हो जाएगा। देखिए, हम उन मांगों को लेकर बैठे थे माननीय कि जो गुलमोर कॉलोनी में कुछ ज़मीन थी शासकीय, जो नगर पालिका के द्वारा उसको कवरेज किया गया था, लेकिन कुछ भूमि माफियाओं के द्वारा मिलीभगत से, भ्रष्टाचार की मिलीभगत से उस भूमि को आवंटित अपने प्लॉट की स्थिति में काट लिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो जल शाखा में भ्रष्टाचारी जो चल रही है, सीएमओ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। तीसरी बात यह है कि जो ठेकेदार थे रौनक, जिसमें पाइप चोरी की गए थे, उसमें ना तो FIR हुई है, ना कोई कार्रवाई की गई है। चौथी बात यह है कि जो आवास की राशि आई है भोपाल से, आवंटित की गई है, स्वीकृत किए गए हैं आवास गरीब लोगों के, जिनकी आवास की राशि डाली जानी है, लेकिन अध्यक्ष महोदय के द्वारा, सीएमओ के द्वारा वो राशि अभी तक नहीं डाली गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारी भ्रष्टाचार का नगर पालिका में चल रहा है। उस भ्रष्टाचार को देखते हुए हमको तो ऐसा लग रहा है कि सारे कर्मचारी और ये अध्यक्ष और कुछ BJP के पार्षद भी उसमें लिप्त हैं, हमको ऐसा महसूस होता है। ये जो आपने मांग की है, इस मांग को लेकर आगे की क्या रूपरेखा है? भ्रष्टाचार नगर पालिका द्वारा पुरजोर तरीके से चल रहा है और ये भ्रष्टाचार अभी भी नहीं थम रहा है। हमारा निवेदन यह है कि हम नगर पालिका की हित की बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, और नगर पालिका अध्यक्ष और CMO दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। और इंजीनियर सहित पूरी मंडली ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस स्थितियों में हमारे विपक्ष के पार्षद जितने भी हैं, वो एकजुटता से या हमें कोर्ट में जाना पड़े या हमें न्याय का सहारा लेना पड़े, लेकिन हम पुरजोर तरीके से जनता की आवाज़ उठाएंगे। भ्रष्टाचार
आवास की लिस्ट को लेकर एक भाजपा का नेता के द्वारा लुकाया जाता है, उस पर क्या जांच करी है? जांच तो सरकार ने कर ली है, उनका पैसा डलना है, क्यों नहीं डाला गया अभी तक? उसके घर की कोई दुकान है कि वो जो उसको पैसे को रोक रहा है? शासन का ये नियम है कि 22 दिन के अंदर अंदर जनता के आज पैसा नहीं डलेगा तो वो नियुक्त हो जाता है। ये आप लोगों को भी ज्ञात होना चाहिए। उनकी केवल बंदर बाट के चक्कर में जनता शोपुर की त्रस्त है। बॉडी को 8-8 में परिवर्तन किया गया था, लेकिन जनता के द्वारा उसका मैंडेट को खत्म कर और भारी भ्रष्टाचार से बीजेपी का मैंडेट बढ़ाकर और भ्रष्टाचार की भेंट नगरपालिका को चढ़ा गया है। हमारी मांग यह है इस न्याय को आप मीडिया के द्वारा भी लड़ी जाए। चौथा स्तंभ मीडिया होता है। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि हमारा भरपूर सहयोग प्रदान करें आप लोग, और जनता को भी मैं आह्वान करता हूँ इस माध्यम से कि आप लोग की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन आप लोग हमारा साथ रहो। क्योंकि पहले क्या होता था, 10,000 रुपये दलालों के माध्यम से लिए जाते थे, वो 10,000 रुपये रोक कर और निष्पक्ष जांच कराकर हम जनता की आवाज़ के साथ खड़े हुए हैं, और निष्पक्ष जांच होने के बाद में आवाज़ के पैसे डल रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा वो भ्रष्टाचार के चक्कर में फिर रोकी गई है। हम आपसे अपील करते हैं मीडिया इस प्रश्न को उठाए और इनको बेतुक जवाब दे भ्रष्टाचारियों को। जय भीम, जय भारत, यही निवेदन है।